हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटपटी सी मूंगफली के चटनी की रेसिपी। आज हम बनाएंगे सोलापुर की फेमस मूंगफली की चटनी की रेसिपी। ये मूंगफली की चटनी को बहुत लोग पीनट चटनी भी कहते हैं, कोई इसे सेंगदाना चटनी भी कहते हैं। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मूंगफली की चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ मूंगफली। मैंने यहाँ पर 2 बाउल मूंगफली ली है। वजन से देखा जाए तो ये 1.25 kg मूंगफली है। इसे हम अच्छे से रोस्ट कर इसके छिलके उतार लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पैन गरम चढ़ा रही हूँ, इसके अंदर हम डाल देंगे इस मूंगफली को और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे रोस्ट करेंगे। हमें इसे हाई फ्लेम पर रोस्ट नहीं करना है। और याद रखिए, जिस बर्तन के अंदर आप इसे रोस्ट कर रहे हो उसका भी बॉटम हेवी होना चाहिए ताकि ये जले ना। ये अच्छे से अंदर से क्रिस्पी होनी चाहिए और अच्छे से गोल्डन होने तक हम इसे रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए, इसके अच्छे से छिलके उतरने लगे हैं, मतलब ये रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक थाली के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक थाली के अंदर इसे निकाल लिया है। इसे हल्का सा इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे मसल कर इसके छिलके निकाल लेंगे। तो ये ठंडी हो चुकी है, इसे मैं मसल कर इसके सारे छिलके उतार लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके सारे छिलके उतार लिए हैं। अब हम इसके जो कचरा है इसके अंदर, इसे साफ कर मूंगफली को इससे अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली को इससे सेपरेट कर लिया है। तो अब हम ले लेंगे एक पैन। पैन के अंदर मैं डाल दूंगी 1 tablespoon ऑयल। आप चाहो तो यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी मूंगफली की चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे मूंगफली और इसे फिर से करेंगे रोस्ट 3 से 4 मिनट के लिए। ऐसा करने से जो मूंगफली के अंदर ऑयल है वो बहुत ही अच्छे से रिलीज होगा और हमारी चटनी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लिया है। ये देखिए, इसका जो कलर है वो आज चेंज होना चाहिए, हल्का सा इसे गोल्डन कलर आने लगा है। बस अब ये तैयार है। अब हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। मूंगफली अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब हम ले लेंगे एक फटाफट से मिक्सर का जार। इसके अंदर डाल देंगे हम सारी मूंगफली को। आप चाहो तो हम दस्ते से भी इस चटनी को बना सकते हैं, पर मैं आज मिक्सर के जार में ही आपको बताऊंगी कि इससे परफेक्ट वाली चटनी बनाते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 tablespoon रेड मिर्च पाउडर, 1 tablespoon नमक। नमक आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 teaspoon साबुत जीरा। यह हमने भुना हुआ जीरा नहीं लिया है, प्लेन जीरा इसके अंदर हम डालेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ऑयल। यहाँ मैंने 1 teaspoon ऑयल डाला है। मिक्सर के अंदर जब भी हम चटनी बनाते हैं तो इसके अंदर ऑयल डालने से ये ज़्यादा महीन पाउडर की तरह नहीं बनेगी, दरदरी सी रह जाएगी। अब आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, जब भी आप मिक्सर को चलाएंगे तो आपको स्पीड से मिक्सर नहीं चलाना है, आपको इसे रुक रुक के चलाना है। जो लेफ्ट साइड में व्हिप का बटन होता है उस पर आप इस चटनी को बनाइए, तो बहुत ही अच्छी सी दरदरी से आपकी चटनी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए, तैयार है हमारी मूंगफली की चटनी बनकर। तो फटाफट से हम निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर इसे। तो है ना ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी। तो इस बार जब भी आपका मन करे सोलापुर की चटनी खाने का तो मार्केट से खरीद कर मत लाइए, इस तरीके से बनाकर ट्राई कीजिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी सी चटनी बनकर तैयार होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, हमें कमेंट्स कर जरूर बताना। अगर आपको हमारे रेसिपीज अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।